ये तो बोलेंगे ठीक है हमारी जेब भरी रहा, महीने का तनख्वाह आ रही है बस ठीक है, हमें हमें क्या है। सिंसियरिटी थोड़ी इन लोगों ने काम करना। ये जो मैं बात कर रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं यस मैन चीफ सिलेक्टर को और बाकी जो कोचिंग स्टाफ है, मेरे सामने आके बात तो करो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? एक दफा फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। आप मेरे हाथ में एक बुक देख रहे होंगे। अमूमन मेरे हाथ में कोई बुक वगैरह तो होती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत पढ़ लिख रहा हूँ और या मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी है। लेकिन जो जो सिस्टम है पाकिस्तान का, उसमें मेरे ख्याल में ये स्टैट्स वगैरह की जो सिलसिले हैं, ये हमें निकालने पड़ते हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो सिलेक्शन होती है वो हमेशा स्टैट्स पे होती है। जो प्लेयर आता है स्टैट्स पे आता है, जो प्लेयर बाहर होता है स्टैट्स पे ही आता है, और ये दुनिया में हर जगह पे होता है। लेकिन पाकिस्तान में ये जो प्रॉब्लम है, ये अब जो है वो स्टैट्स वगैरह की सिलसिला जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। सिर्फ यहाँ पे नेचुरल टैलेंट की बात होती है, पर्चियों की बात होती है, डंडों की बात होती है, सोर्स की बात होती है, दोस्ती यारी की बात होती है। स्टैट्स को बिल्कुल हमारे लोगों ने साइड पे कर दी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस किस्म के यस मैन चीफ सिलेक्टर आएंगे और उनके साथ जो और लोग भी होते हैं जो सिलेक्ट करते हैं, तो यही हालात हो। अब ये जो कैंप अनाउंस किया है, जो चीफ सिलेक्टर साहब हैं हमारे, 60-70 लड़कों का जो कैंप अनाउंस किया है, एक ग्रुप दो ग्रुप बनाएंगे। एक जो ग्रुप है जिसमें तकरीबन सारे नए नए लड़के, आई थिंक वो 26 मई से 10 जून तक वो होगा कैंप, उन लड़कों में से जो पर्ची सिस्टम लड़के मुझे नज़र आए, मैं पर्ची इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उनके जो स्टैट्स देखे या इस साल की जो उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस देखी, बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंसेस हैं। उसके बावजूद भी इन लोगों का नाम आया। अब मैं जिन जिन लड़कों का आपको बताऊंगा, मैं माजरत करता हूं अगर मैंने कहीं गलत कोई चीज़ बता दी, गलत स्टैट्स बता दिए इनके बारे में। लेकिन जहां तक मैंने अपनी पूरी कोशिश की, ये बुक जो है इसके ऊपर ये सारे आप देख रहेंगे, सब ये स्टैट्स मैंने निकाले हुए हैं लड़कों के। ये तकरीबन मुझे काफ़ी टाइम लगा तब जाके मैं निकाले, क्योंकि ये काम जो सिलेक्टर्स ने तो करने नहीं। सिलेक्टर्स तो बस जो भी उसका दिल करेगा, जो उसको बोलेगा, वो लड़का टीम में आ जाएगा। अब मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगा, इसमें मुझे खुद बताइएगा, और जब मैं ये चीज़ें बताऊंगा और जो लोग मेरी वीडियोस देखेंगे वो फिर मुझे बताएंगे मैसेज करके, कमेंट जो कमेंट्स करते हैं उसमें, कि भाई आप बिल्कुल सही कह रहे थे, या अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट में ही उस लड़के की मुझे परफॉर्मेंस भेज दें कि जी तनवीर भाई आप तो गलत कह रहे थे। या जो क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं या जो भी कोचेज, अगर किसी को मेरे से प्रॉब्लम है इस बारे में तो आप मुझे कह सकते हैं, तो फिर मैं उनको ज़रूर बताऊंगा कि आप जो कह रहे हैं वो परफॉर्मेंस है, ये जो मैं कह रहा हूँ वो परफॉर्मेंस। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ अगर मैंने कहीं परफॉर्मेंसेस गलत निकाल दी तो, मैंने पहले बोल दिया माजरत है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी आलियान महमूद, ठीक है ना? ये मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, ले सकता हूँ नाम, लेकिन मैं इस वजह से लेना नहीं चाह रहा कि लोगों को इनडायरेक्टली मैं जो बात करूँ खुद ही पता चल जाने चाहिए। नाम लूँगा तो फिर क्या कहते हैं, फिर लोगों को ज़्यादा बुरा लगता है। ये शायद जो कराची के कोचिंग करते हैं, एक मेंबर हैं उनका, शायद ये बेटा है, हो सकता है उनकी सोर्स लगी हो। क्योंकि क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले बोर्ड में हैं, तो शायद उनकी वजह से ये इनका नाम आ गया हो। वैसे अगर इनकी परफॉर्मेंस आप देखें आलियान महमूद की, बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस है, बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस है, और उसके बावजूद भी ये लड़का एक कैंप के अंदर आया। उसके बाद आरिश अली खान की बात करता हूँ, इन्होंने डिवीजन टू में आई थिंक 30-32 आउट किए हैं, तो इनका नाम इस वजह से आ गया। उसके बाद मैं मोहम्मद ताहा की बात करता हूँ, इनकी भी बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस है। आप देख, मैं ये जिन जिन लड़कों के नाम ले रहा हूँ, जिनकी मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ ये, और जिनकी नहीं बात कर, इन सब के आप स्टैट्स जाके आप जाएँ गूगल में, जाएँ इन सब के नाम लिखे, सर सब कुछ आ जाएगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आएगी और जो इस सीज़न खेली वो भी परफॉर्मेंस आ जाएगी। तो ताहा की बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं, अगर आप अंडर 16 19 सब कुछ देखें, कुछ भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। बस इनको सपोर्ट किया जा रहा है जी, अच्छा टैलेंट, अच्छा टैलेंट है, जिस तरह मैंने बात की कि टैलेंट के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद सैयद जीशान जमीर की बात करते हैं, ये ऑलराउंडर है, लेकिन इनकी जो वो परफॉर्मेंस है बैटिंग की वो कोई इतनी खास नहीं है। अगर अच्छा ऑलराउंडर है तो कम से कम उसकी, अगर आप ऑलराउंडर कहते हैं, कम से कम बैटिंग बॉलिंग दोनों की ऐसी परफॉर्मेंस हो कि आप समझें कि जी वाकई इनको कैंप में सेलेक्ट किया गया। उसके बाद बात करते हैं जी अली उस्मान, ये 28 साल के, ठीक है, इनकी बॉलिंग भी बस ठीक है और ठीक बस परफॉर्मेंस है इनकी, कोई इतनी खास इनकी
परफॉर्मेंस नहीं है। अली असफंद की बात करते हैं जी, ये इनकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल जीरो है और ये इस कैंप के अंदर आए। मैं आपको परफॉर्मेंसेस स्टैट्स इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि मैंने काफ़ी लड़कों की परफॉर्मेंस ये स्टैट्स निकाले हैं, तो ये अगर मैं ये बताने लग जाऊंगा तो ये तो फिर आधे घंटे की मेरी वीडियो हो जाएगी। इस वजह से सिर्फ नाम लेके बता रहा हूँ कि इनकी परफॉर्मेंसेज हैं या नहीं, फिर आप लोग खुद ही इसको देखिएगा। हसीबुल्ला की मैं बात करता हूँ, ये लिस्ट ए के मैचेस खेले, आई थिंक इसी सीजन खेले और कोई फर्स्ट क्लास का मैच नहीं खेले, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इनकी इस सीज़न में। 300 इन्होंने इस सीज़न में किए, बड़े 100 किए हैं। ये इस किस्म का टैलेंट अगर आपको नज़र आता है परफॉर्मेंस वाइज तो ठीक है जी, चले समझ आते हैं कि जी 60-70 लड़कों में एक आध टैलेंट ऐसा आपको नज़र आया कि जी आप जिसको लेके जा सके। अगर मैं दूसरों के, अगर मैं उन लड़कों के अगेंस्ट हूँ जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो मैं इसके अगेंस्ट भी हो सकता था अगर इसकी परफॉर्मेंस हो या ना हो। जिस समझो लोग कहते हैं ना हर टाइम अगेंस्ट रहते हैं, नहीं, जो लड़का परफॉर्मर है मैं उसकी हमेशा बात करूंगा। उसके बाद हम इरफानुल्ला शाह की बात करते हैं। इरफानुल्ला शाह, यस, ये भी 27 साल के इनके, आई थिंक 25-26 इनके आउट हैं, इनकी ये परफॉर्मेंस है। फिर माज खान की बात करते हैं, जीरो परफॉर्मेंस है इनकी। मेहरान मुमताज़ की बात करते हैं, जीरो परफॉर्मेंस इनकी। मोहम्मद अली एक लड़का है, उसके मुझे स्टैट्स नज़र नहीं आ रहे, मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि मैंने मोहम्मद अली नाम गूगल किया था, वो समझ नहीं आई मुझे इनकी क्या क्या परफॉर्मेंस है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ उमेर बिन यूसुफ की, टॉप क्लास का प्लेयर है ये वाहिद, ऐसा प्लेयर मुझे लगता है कि जिसमें टैलेंट है, जिसको ऊपर आपको क्रिकेट खिलाना चाहिए लेकिन इसको खिलाई नहीं जाती, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसको क्यों नहीं खिलाई जाती। आप इसकी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, ठीक है ना, ये मतलब अलग ही इसकी परफॉर्मेंस। इस किस्म के प्लेयर जो हैं वो आप इस कैंप के अंदर लेके आए। जमान खान की बात करते हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस नहीं, जीरो परफॉर्मेंस है इनकी। लिस्टें देख लें, फर्स्ट क्लास देख लें, सब कुछ देख लें, लेकिन जी पीएसएल में बड़ा एहसान हो गया जी, एहसान कर दिया वो 12-14-15 आउट करके जी, वो जी बस पता नहीं क्या हमें बॉलर मिल गया, और जिस फ्रेंचाइज से खेलते हैं उनकी तो वैसी कोशिश है, वो वैसी खुश हुए हैं, हम हर साल एक आध प्लेयर उठा के दे देते हैं। और उनके जो हेड कोच कौन है, वो आकिब जावेद है, वैसे दूसरों के खिलाफ बड़ी बातें कर रहे होते हैं वो कि जी ये प्लेयर क्यों आ गया, ये प्लेयर इसकी तो परफॉर्मेंस नहीं है। अब इनको ये पता नहीं है कि आप जिन प्लेयरों को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट की क्या परफॉर्मेंस है। ये तो सिर्फ पीएसएल में 2-4 मैच खेल के वो परफॉर्म करके आ जाते, यहाँ पे किसी को नजर नहीं आएगा जी हम अपने लड़के को गलत प्रोमोट कर रहे हैं। दूसरों के लिए उंगलियां सबने उठानी है लेकिन अपने लड़का नज़र नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जी मोहम्मद ज़ीशान की, ये एक फास्ट बॉलर है, आई थिंक इनकी हाइट वाइट बड़ी ज़बरदस्त है। इनकी मैंने यूट्यूब पे थोड़ी सी बॉलिंग भी देखी, हाइट अच्छी है, अच्छा पेस है, ठीक है ना, लेकिन इनको बहुत इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। वो किस हिसाब से कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, वहाँ जाके खेलें, हाइट है तो क्या हो गया। एक तो हमारे मुल्क में एक चीज़ हमें समझ नहीं आती, हाइट है किसी की या तेज़ है कोई, खिला दो जी एनु खिला दो जी, एनु पाकिस्तान खिला दो, बस यही कुछ है, 4 छक्के मारेगा एनु पाकिस्तान खिला दो। पता नहीं किस किस्म के लोग बिठा के रखे हुए हैं क्रिकेट के अंदर। अच्छा, उसके बाद एक 30 साल का लड़का रेहान अफरीदी, ठीक है, उनकी जो परफॉर्मेंस है फर्स्ट क्लास की, वो अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है, और आप देखें है भी 30 साल का, ये 30 साल का है। फिर उसके बाद 28 साल का अली उस्मान लड़का, इनकी बेटर परफॉर्मेंस है। तो जो बड़ी बड़ी एज के लड़के जिन्होंने थोड़ा सा फर्स्ट क्लास में टाइम गुजारा हुआ उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम फैसल अकरम की बात करते हैं, बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस है फैसल अकरम की, ठीक है, ये इस कैंप के अंदर है। फिर ये मोहम्मद इमरान रांधावा है शायद इनका ये नाम है, ठीक है, ये भी बस 100-100 है, कोई इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी ना बैटिंग है ना बॉलिंग है, ये इनके नाम है। ये जो मैंने आपको प्लेयर्स बताए, ये प्लेयर्स, इनमें से ज़्यादातर प्लेयर जो हैं वो 18, 19, 20 इस एज के हैं। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि इस कैंप के अंदर जो इन्होंने कंडीशनिंग कैंप नाम दे दिया है, इस कैंप के अंदर क्या ये जो लड़के आपने तैयार करने, क्या कैंपों से लड़के तैयार होते हैं? मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या 10-10, 8-8, 15-15 दिन के लिए जो है वो प्लेयर तैयार होता है? मुझे एक चीज़ बताएं, 26 मई से लेकर 10 जून तक आप लगा दें ये कैंप, कितने दिन बनते हैं आपके सामने? ये बड़ा कोई अनोखा काम करने जाते हैं कि जी 15-20 दिन के अंदर बड़े जी कोई हीरो तैयार कर देंगे। हमेशा इससे अच्छा है आप कैंप लगाते हैं जो आपने लगाया, इससे अच्छे आप डोमेस्टिक के अच्छे टॉप के प्लेयर्स जो हैं
वो आप इस कैंप के अंदर डालते, उनको आप अपने कोचिंग स्टाफ के सामने लेके जाते, उनको प्रिपेयर तैयार करते कि जी अगर आप हमारे बैकअप हैं इस टाइम, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है, आप अगर टीम में आते तो आप पहले से रेडी हो, हमारे कोचिज आपको क्या बताएंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या कुछ होता है, किस तरह परफॉर्मेंस देनी होती है, किस तरह प्रेशर बर्दाश्त करना होता है। ठीक है, शॉन टेट है आपके पास, वो आपको ज़रा थोड़ा स्विंग विंग जो भी बॉलर्स है उनके बारे में बताता है, ठीक है ना। बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ है, वो ज़रा आपको बताते हैं। ये तो मुझे मुश्ताक अहमद की समझ नहीं आती ना, ना क्रिकेट बोर्ड में है ना कहीं है, बस वो लाहौर में रहते हैं, लाहौर में अकेडमी लगती है, ठीक है, वहीं से जी कह देते आ जा आ जा आ जा यार, तेरी भी जरूरत पड़ेगी, आ जा लेक्चर दे दे। बस हमारे को वो एहसान कर दिया जी, इंग्लैंड रहते रह के इंग्लैंड की टीम को कोचिंग करके फलाना करके, बस हमारे लिए एहसान हो गया कि जी इनको जी बड़ा पता है, इनको जी बड़ा कोचिंग का पता है, इनको जी बड़ा प्लेयरों को बताने का पता है। इसके अलावा ये 6-8-10 जो बड़े बड़े नाम है, इनके अलावा क्रिकेट बोर्ड को कोई प्लेयर नजर ही नहीं आता, हर तरफ घूम रहे हैं, हर तरफ टीवी पे ये घूम रहे हैं, ठीक है, हर जगह पे ये घूम रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड में ये घूम रहे हैं, ठीक है, आपकी लीग्स के अंदर यही घूम रहे, यही घूम रहे हैं, इन्होंने ही हर जगह पे अपने डेरे डाले हुए, इसके अलावा कोई इनको नजर नहीं आता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सरफराज साहब का नाम है, ठीक है भाई, आपने सरफराज को इस कैंप के अंदर डाल के क्या आपने मैसेज दिया है कि वो बिल्कुल फारिग है क्या, मतलब यानी वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, आपने सरफराज को यहाँ डाला है तो फिर असर शफीक का नाम नहीं आना चाहिए था, तो फिर क्या खुर्रम मंजूर का नाम नहीं आना चाहिए था, क्या सोहेल खान ने आउट किए हुए इस सीजन में, क्या उसका नाम नहीं आना चाहिए था, उनका क्यों नहीं फिर नाम आया, अगर आपने सरफराज का नाम डाला हुआ है, सरफराज को तो आपने वनडे T20 से बाहर किया हुआ है, ठीक है, तो आपने तो उसको सिलेक्ट ही नहीं करना, तो फिर इस कैंप में उसका नाम डालने का क्या मकसद है, क्या किसी के प्रेशर की वजह से डाला आप लोगों ने कि जी इसका नाम तो रखो हर सूरत में, तो आप लोग तो खुद तो ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, आपको खुद समझ नहीं आती कि किसको कैंप में रखना है, किसको पाकिस्तान टीम में खिलाना है, किसको कितना आगे लेके जाना है, आपको खुद समझ नहीं आती। सरफराज को आपने फारिग किया और आपने उसके उसका नाम कैंप में, जितनी क्रिकेट उसने खेली, अब खुर्रम मंजूर हो गया, असद शफीक हो गया, सरफराज हो गया, सोहेल हो गया, इवन इवन ये जो है क्या नाम है इसका, ये उस्मान सलाउद्दीन हो गया, मीर हमजा हो गया, इनके टॉप की परफॉर्मेंसेज है, उस्मान सलाउद्दीन शर्म आनी चाहिए तुम्हें, यस मैन चीफ सिलेक्टर, 9,000 रन उस बंदे के होने वाले फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, ठीक है, उसका नाम नहीं है पाकिस्तान टीम के अंदर, और अपनी मर्जी के लड़के 10-10 दफा ये लोग कमबैक करवाते हैं। उसके बाद मीर हमजा की मैं बात करता हूँ, 350 से ज्यादा आउट है, ये भी कराची का लड़का है, जिस तरीके से आप लोगों ने कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफियां की है ना, और टॉप के परफॉर्मेंस कराची के, ये नहीं कम परफॉर्मेंस दिए हुए, फवाद आलम ह्यूज परफॉर्मेंसेस दे के इग्नोर करते रहे उसको टीम में लेके आए, खुर्रम मंजूर टॉप परफॉर्मेंस, रन कर करके वो थक गया, इस सीजन में भी दो इस सीजन में भी ठीक ठाक रन किए, ओवरऑल आप देखो वो रन करके, आप जाओ तो गूगल जाके देखो उसकी परफॉर्मेंसेस देखो, ताबिश खान 500-600 आउट होने के बाद आपने उसको पाकिस्तान खिलाया, फिर उसके बाद आप अमीर हमजा के साथ भी यही कुछ कर रहे हैं, असद शफीक पाकिस्तान टीम से पहली दफा बाहर हुआ 77 टेस्ट मैचेस के बाद, उसके बाद भाई वो को 25 दफा थोड़ी टीम से बाहर हो चुका कि आप उसको आप पूछ ही नहीं रहे, पहली दफा बाहर हुआ है उसके बाद आप उसको पूछ भी नहीं रहे, तो ज्यादातर तो मुझे यही नजर आता है आप हमेशा कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफियां करते हैं जिनकी टॉप की परफॉर्मेंस होती है। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कोटा सिस्टम आप लोगों ने रखा हुआ है पाकिस्तान टीम के अंदर कि जी कराची का एक आध लड़का होगा हर फॉर्मेट के अंदर, उसके बाद जो देखी जाएगी, एक बाहर होगा दूसरे को ले आएंगे, दूसरा बाहर तीसरा ले आएंगे, इस तरीके से तो आप लोग करते। उसके अलावा भी जितने भी डोमेस्टिक के, अब रोहेल नजीर की अगर मेरा रिश्तेदार तो नहीं है रोहेल नजीर, ना उस्मान सलाउद्दीन कराची से ताल्लुक रखता है, ना रोहेल नजीर कराची से ताल्लुक रखता है, मेरे रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन इनकी टॉप की परफॉर्मेंसेज हैं। रोहेल नजीर आप जरा जाओ डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस तो उसका देखो जाके, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसको अभी क्रिकेट खिलाई नहीं, उसके बाद वो हारिस आ गया जी, तो फलाना आजम आ गया जी, तो दूसरे आ गए, तो ये आ गए, वो भाई जिसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस हो उसको तो पहले सही तरीके से खिला लो, उसके बाद बाकी कीपर लेके आ जाना, अच्छा टैलेंट नजर आते हैं ठीक है, आप पाकिस्तान क्यों खिलाने की कोशिश करते हो उनको। अब ये जितने भी लड़के सिलेक्ट हुए हैं ये सब यस मैन चीफ सिलेक्टर और डोमेस्टिक के जितने भी कोचिज थे उनके साथ मिलकर ये सिलेक्शन हुई है, ठीक है, अगर अगर गलतियां अगर
इनसे कोई सवाल पूछेगा तो लाजमी नहीं है कि भाई चीफ सिलेक्टर ही इसमें गलत है, तो बाकी जो सिलेक्टर है वो भी तो सिलेक्टर है, वो भी तो इस जो लड़के अनाउंस की इसका पार्ट है, वो उन्होंने भी सब सबकी बातें सुन के मिल मिला के ये लड़के सिलेक्ट हुए हैं। तो ये तो सीधा सीधा नाइंसाफी है। या तो आप जो लड़के हैं, मुझे तो साफ नजर आता है इन्होंने एक फैसला किया हुआ है, 35 36 34 35 36 वाला लड़का, इवन 33 वाला भी, ये अब पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट नहीं होगा। इन्होंने साफ मुझे लगता है एक फैसला किया हुआ है। अगर फैसला किया हो तो आओ टीवी में, हिम्मत है तो बोलो आके कि भाई जी खुर्रम मंजूर साहब आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, आपकी कोई सिलेक्शन नहीं है, अब सोहेल साहब आपकी कोई सिलेक्शन नहीं है, सरफराज साहब आपकी कोई सिलेक्शन नहीं है, ठीक है, असद शफीक साहब आपकी कोई सिलेक्शन नहीं है, उस्मान सलाउद्दीन साहब आपकी कोई सिलेक्शन नहीं है, मीर रमजा साहब आपकी कोई सिलेक्शन नहीं है, ठीक है, अब आके ही करो। वो जमान खान को लाने के चक्कर में लगे हुए, अभी पूरे बॉलर सही तरीके से चेक हुए नहीं T20 में, इसको भी लाके, जाहिर सी बात है यार, सोर्सें लगी हुई है सबकी सबकी सोर्सें, इन चक्रों में इन लोगों ने डोमेस्टिक क्रिकेट तबाह कर दी, अब इस चक्कर में भी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट तबाह हो गई है। अब मुझे चीज बताया ना, डोमेस्टिक के प्लेयर्स कहाँ जाएंगे, ना वो PSL, ना वो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होते, PSL की वजह से वो उनको उन, उनको फारिग कर दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद PSL अंडर 19 हो रही थी, उसमें भी आप अंडर 19 के बच्चों को के साथ नाइंसाफियां करेंगे, अब ये जो कैंप लगाया है इसमें भी आप डोमेस्टिक क्रिकेट का लड़का नहीं आप आ रहे, तो कहाँ जाएंगे डोमेस्टिक वाले, किधर खेलेंगे, सर पे मारेंगे बल्ले, आपने कहाँ जाके क्रिकेट खेलेंगे, सिफारिशों को भर रहे हो हर जगह पे, वो कहाँ जाएंगे लड़के, इन्होंने जवाब थोड़ी देना है, इनको क्या है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने तो पैसे लेने, महीने के बाद चले जाना है, इनको क्या है, ये तो बोलेंगे ठीक है हमारी जेब भरी रहा, महीने का तनख्वाह आ रही है बस ठीक है, हमें हमें क्या है, सिंसियरिटी थोड़ी इन लोगों ने काम करना है। ये जो मैं बात कर रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं यस मैन चीफ सिलेक्टर को और बाकी जो कोचिंग स्टाफ है, मेरे सामने आके बात तो करो, मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ये किस किस मेरिट पे ये लड़के सिलेक्ट हुए हैं, बताओ तो सही, खाली टैलेंट टैलेंट नहीं होता भाई, टैलेंट टैलेंट पे खाली क्रिकेट नहीं चलती भाई, टैलेंट आपके 100 लड़कों में से 2 एक्स्ट्रोटी 3 एक्स्ट्रोटी टैलेंट निकलते हैं, बाकी सबको मेहनत करनी पड़ती है। इन लड़कों को जो कैंप में आपने भेजा है, इनको आप भेजते ना डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, भाई आप ठीक है टैलेंट नजर आया अंडर 16 19 जो कुछ भी है, ठीक है आप जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, वहां पे आप 2 3 साल 4 साल खेलो, 2 3 साल खेलते कितने साल के होते, ये लोग सारे 22 23 24 साल के हो जाते, क्या बूढ़े हो जाते, जो जो ऑलरेडी 25 26 27 साल के हैं जिनका एक्सपीरियंस हो उनको लेके आओ ना यार, उनको पाकिस्तान टीम का बैकअप रखो। ये जितने भी जिन्होंने ये लड़के सेलेक्ट किए, क्या ये कैंपों से आए हैं सारे लड़के, सबकी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस थी, उसी तरीके से ये सिलेक्ट हुए ना। अब यहां पे मैं बोलता हूं, इधर मैं बोलता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो कहां है, क्या क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने क्रिकेट नहीं खेली, वैसे तो सारी क्रिकेट क्रिकेट की बातें करते हैं, पूछे ना इन लोगों से कि ये कौन सा तरीकेकार है, ये कैसे लड़के आ गए आपके कैंप में 10 दिन के अंदर, ये ड्रामा लगाते हैं सब ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि हम देखो जी बड़ा काम कर रहे हैं, हम कैंप कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, 10 दिन के अंदर किसी को क्रिकेट सिखाई जाती है, अपना काम सीधा कर रहे हैं, कोचिज आ जाते हैं, तस्वीरें आ जाती हैं, टीवी पे आ जाते हैं, 2 4 इंटरव्यू दे के हीरो बन जाते हैं, वो देखो जी हम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं, आप सबसे अच्छे काम और लोग कर सकते हैं, जितना बेवकूफ इन लोगों ने बनाया हुआ है। फिर कहते हैं जी पढ़ा रहता है पीछे, तो पढ़ा रहूंगा मैं पीछे, जब तक मेरी जिंदगी मैं इनके पीछे पढ़ा रहूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं किसी को, हर एक एक बंदे की मैं गलतियां निकालूंगा, हर चीज में ड्रामे लगाए हुए इन लोगों ने, ना सर है ना पैर है किसी चीज का। उसके बाद जो खेले में क्रिकेट, जो अपने आप को सारे बड़े बड़े नाम समझते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट इतना है सिलेक्शन के अंदर, क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो सारे अपने काम करवाते हैं, जो कहते हैं वो कहते हैं जी यही होना चाहिए, बस वो चलता रहता है क्योंकि सबकी दोस्तियां यार ही आपस में नजर आते हैं हमें, कैसे आपकी क्रिकेट ठीक होगी, सब मिले हुए एक साथ, मेरिट का बंदा आप लाओगे नहीं क्योंकि उसने सुननी नहीं आप लोगों की, तबाही मचाई हुई, उठा के देख लो कितने लड़के हैं, सब सिफारिशी हैं, पर्ची हैं, जीरो परफॉर्मेंसेज हैं किसी की, ये 2 4 लड़के होंगे जो मैंने बताए उसमें टॉप के परफॉर्मेंस हुए हैं उन लोगों की, बाकी तो सब पर्ची हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।